हर हर महादेव। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये वीडियो है हरतालिका तीज के संबंध में। 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज पर सुहागिने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। इस पर्व का संबंध शिव जी और पार्वती जी से है। इस दिन रात भर जागरण करके गौरी शंकर की पूजा का विधान होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सर्वप्रथम माँ पार्वती ने किया था शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर शिव जी ने माता पार्वती को अपनी पत्नी स्वीकार किया था। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुमारी कन्या भी करती हैं ताकि वो अपने मनपसंद वर को प्राप्त कर सकें। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत के लिए महिलाओं में काफ़ी उत्साह भी देखा जाता है। ऐसे में स्त्रियां अभी से पूजा सामग्री इकट्ठा कर लें ताकि पूजा में किसी चीज़ की कमी ना हो। और इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं पूजन सामग्री की लिस्ट लेकर, जो पूजन सामग्री हरतालिका तीज में यूज़ होती है। अगर आप पहले से लिस्ट बना लेंगी तो आपकी पूजन सामग्री में कोई कमी नहीं होगी और आपको तुरंत के तुरंत पूजा के लिए कभी यहाँ वहाँ भागना नहीं होगा पूजन सामग्री लेने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों हरतालिका तीज की पूजा में सबसे पहले तो हमें चाहिए मिट्टी के शिवलिंग गणेश जी और पार्वती जी की प्रतिमा में चाहिए होती है। कई जगह पर इनको बालू से बनाया जाता है, या तो आप बालू से बना सकते हैं या काली मिट्टी में जो कि किसी खेत की हो, या किसी भी गमले की आप ले सकते हैं काली मिट्टी। बस तुलसी के गमले से आपको नहीं लेना है। तो काली मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिलाकर भी आप ये शिवलिंग वगैरह और ये गणेश जी और माता जी की मूर्ति बना सकते हैं। और इनको स्थापित करने के लिए, इनको रखने के लिए आपको चाहिए केले का पत्ता। जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ वो सभी आपको बता रही हूँ चीज़ें। केले के पत्ते पर हम इनको विराजमान करते हैं तो हमें केले का पत्ता चाहिए होगा। तो ये तो हो गई मेन चीज़ जो हमें चाहिए पूजा के लिए। अब करते हैं शुरुआत की हमें पूजा कैसे लगानी है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जहाँ पर पूजा लगानी है उस जगह पर हमको अच्छे से साफ करना होगा उस जगह को, और वहाँ पर हमको बनाना होगा आटे से अष्टदल कमल। तो इसके लिए हमको आटा चाहिए होगा। उसके ऊपर हम चौकी रखेंगे तो हमें चौकी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल या पीला कपड़ा चाहिए होगा। तो लाल या पीला कपड़ा आप ले लें, आपके पास कोई पुराना सुंदर कपड़ा रखा हो तो वो ले सकते हैं, चाहे तो कोरा कपड़ा भी ले सकते हैं। और हरतालिका तीज में सबसे स्पेशल, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है फुलेरा। फुलेरा कैसे बनाना है उसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फुलेरा हमें चाहिए होगा। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में 4 ही लड़ियाँ लगाई हैं, आप चाहें तो 5 या 7 लड़ियाँ लगा सकते हैं। क्योंकि जिस समय मैंने वो वीडियो अपलोड किया था उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि जो फुलेरे में जो लड़ियाँ होती हैं वो 5 लड़ियाँ होती हैं और शंकर जी की पुत्रियों के नाम पर वो होती हैं। तो मैं नया वीडियो बनाऊँगी तो उसमें अवश्य ही 5 लड़ियाँ लगाऊँगी या 7 लड़ियाँ लगाऊँगी। तो आपको फुलेरे के लिए चाहिए खूब सारे फूल और कुछ डलिया वगैरह चाहिए आपको ऊपर लगाने के लिए। और डेकोरेशन के लिए आप जो चाहें वो ले सकते हैं, आम की पत्तियाँ, बेलपत्र वगैरह फुलेरा में आप लगा सकते हैं। अब बारी आती है कलश स्थापना की। ये बड़ी पूजा है, कलश स्थापना के बगैर ये पूजा नहीं हो सकती। तो कलश स्थापना के लिए आपको तांबे या पीतल का कलश चाहिए, तांबे या पीतल का लोटा। उसमें डालने के लिए आपको चाहिए लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा, हल्दी की गांठ, सिक्का और सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, पंचपल्लव जो हम लगाते हैं कलश के ऊपर। कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल चाहिए। अगर आपके यहाँ कलश के ऊपर दीपक रखा जाता है तो आप कलश के ऊपर दीपक रख सकते हैं और नारियल आप अलग से चढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो नारियल पर लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। और पंचपल्लव के ऊपर हम एक प्लेट में रखेंगे चावल, या फिर आप कलश के नीचे भी चावल रख सकते हैं। कलश के नीचे आप चावल रखें, उसके ऊपर कलश रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे पंचपल्लव, फिर उसके ऊपर आप नारियल रखेंगे। तो चावल आपको अवश्य ही चाहिए। लोटे में डालने के लिए हमें चाहिए गंगा जल और जल, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और जल डालेंगे, जल से लोटे को भर देंगे। इसके अलावा कलश के पास रखने के लिए या कलश के ऊपर रखने के लिए हमें चाहिए घी का दीपक जो गोल बत्ती का बना होगा, और एक दीपक हमको आरती के लिए चाहिए होगा। आप चाहें तो वो जो 5 आरती वाली जो आरती आती है उसको आप ले सकते हैं, या एक सिंगल आरती भी आप ले सकते हैं। अब हमें शिवजी को अभिषेक कराने के लिए चाहिए गंगा जल और पंचामृत। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, आप इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप इन सबको एक किसी बर्तन में मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं।
उसके बाद हमें थोड़ा सा जल चाहिए होगा शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए। पंचामृत जो होगा वो शिव जी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर और माता जी के ऊपर, सबके ऊपर ही चढ़ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको हम चढ़ा सकते हैं। अब शिव जी का श्रृंगार करने के लिए हमें चाहिए होगा चंदन, अबीर, गुलाल, भस्म और भांग। ये सभी चीज़ें शिव जी पर चढ़ती हैं, उनके ऊपर हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ता। तो हल्दी कुमकुम से श्रृंगार हम करेंगे माता जी का और गणेश जी का। इसके अलावा आप इत्र भी चढ़ा सकते हैं शंकर जी को, इत्र आप सभी को चढ़ा सकते हैं, शंकर जी को, गणेश जी को और माता जी को। इसके अलावा आपको दो जनेऊ चाहिए होंगे, एक शिव जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। अगर आप कार्तिकेय जी की स्थापना कर रहे हैं तो कार्तिकेय को भी वहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन कई जगह ये मानते हैं कि कार्तिकेय की पूजा लेडीज़ नहीं करती हैं, इसलिए कार्तिकेय जी की स्थापना नहीं की जाती। इसके अलावा माता जी के श्रृंगार के लिए हमको चाहिए होगी माता जी के लिए चुनरी, या आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, और श्रृंगार की सामग्री चाहिए आपको। माता जी को आप जो भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, 16 श्रृंगार की, या फिर कम से कम एक ब्लाउज पीस या चुनरी, और इसके अलावा बिंदी का पत्ता, मेहंदी, सिंदूर और महावर, इतना तो आप अवश्य ही पूजा में रखें, और थोड़ी सी चूड़ियाँ भी आप अवश्य रखें। ये हरतालिका तीज है, इसमें आप हरी चूड़ियाँ चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर कोई कोई सिंदूरा यूज़ करता है सिंदूर लगाने के लिए, तो आप सिंदूरा ले सकते हैं, या सिंदूरदान जिससे आप सिंदूर लगाते हैं, सूखा सिंदूर, वो भी आप वहाँ रख सकते हैं। उसी से हम माता जी को सिंदूर अर्पित करेंगे, फिर वही सिंदूर हम अपनी मांग में लगा सकते हैं। इसके अलावा पूजा के लिए हमें चाहिए दूर्वा, दूर्वा गणेश जी को भी चढ़ती है, माता जी को भी चढ़ती है और भोलेनाथ को भी चढ़ाई जाती है। पान के पत्ते चाहिए होंगे, पान के पत्ते के ऊपर गणेश जी के रूप में सुपारी की स्थापना की जाती है, पान के ऊपर सिक्का और सुपारी की स्थापना की जाती है, इसलिए हमको पान के पत्ते, सिक्का और सुपारी भी चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें चाहिए शिव जी को चढ़ाने के लिए 7 तरह की पत्तियाँ। ये पत्तियाँ सावन में भी चढ़ाई जाती हैं शिव जी को, और हरतालिका तीज में तो स्पेशली चढ़ाई ही जाती हैं। ये है बेलपत्र, चढ़ा सकते हैं आप, मदार के पुष्प चढ़ा सकते हैं, अगर पुष्प ना हो तो आप मदार की पत्तियाँ भी इनको चढ़ा सकते हैं, धतूरा या धतूरे की पत्तियाँ चढ़ा सकते हैं, और दूर्वा तो मैंने आपको बता दी है, दूर्वा गणेश जी को भी चढ़ेगी, नंदी को भी प्रिय होती है दूर्वा, और भोलेनाथ जी को भी प्रिय होती है, तो आप दूर्वा भी पूजा में अवश्य रखें और चढ़ाएं। भांग की पत्तियां चढ़ा सकते हैं, या आपके पास अगर भांग हो जो जौ के रूप में आती है सूखी भांग, वो भी आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। आंवले की पत्तियां चढ़ा सकते हैं, या आंवले का फल भी चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र चढ़ा सकते हैं, नीले फूल चढ़ा सकते हैं जो कि अपराजिता के फूल कहलाते हैं। आम के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं आप शिव जी को, और पीपल के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। ये सभी पत्तियाँ शिव जी को चढ़ाई जाती हैं। स्पेशली बेलपत्र तो आपको चढ़ाना ही चाहिए, बहुत बड़ी पूजा है, अगर बेलपत्र आपके पास उपलब्ध हो तो आप अवश्य ही चढ़ाएं। और हरतालिका तीज में कोई मिठाई अवश्य चढ़ाएं जो घर की बनी हो, कोई सफ़ेद मिठाई, गुलगुले वगैरह आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, और कम से कम 3 तरह के या 5 तरह के ऋतुफल भी हमको चढ़ाना चाहिए इस पूजा में। और इसमें एक विशेष चीज़ होती है बायना, जो कि सास के लिए निकाला जाता है, तो बायने में हमको 16 श्रृंगार की चीज़ें रखनी होती हैं। सबसे पहले तो हम इसमें साड़ी या सूट जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, अगर नहीं सामर्थ्य हो तो आप ब्लाउज़ पीस भी रख सकते हैं। इसके अलावा 16 श्रृंगार में आप रखें मेहंदी, चूड़ियाँ, काजल, बिंदी, महावर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पाउडर, कांच, कंघा, हेयर पिन वगैरह रख सकते हैं, रबर बैंड रख सकते हैं, साड़ी में लगाने वाले ब्रॉच रख सकते हैं, आर्टिफिशियल मंगलसूत्र मिलते हैं मार्केट में वो रख सकते हैं, और बिछिया और पायल, जो भी आपके सामर्थ्य हो, जो भी आप रख सकते हैं वो आप 16 श्रृंगार की सामग्री में रख सकते हैं। इसके अलावा हमको पूजा के लिए चाहिए होती है हरतालिका तीज की पोथी, जिसमें पूरी कहानी होती है। आजकल तो कहानी यूट्यूब पर भी मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी कहानी सुन सकते हैं। पूजा में हवन किया जाता है, तो हवन के लिए हमें चाहिए होता है गाय के गोबर का कंडा या फिर आम की लकड़ियाँ। इसके अलावा हवन सामग्री चाहिए होती है घी और गुड़ चाहिए होता है। हवन सामग्री घी और गुड़ को मिलाकर हम हवन कर सकते हैं। ककड़ी अवश्य चढ़ाई जाती है इस पूजा में, आप ककड़ी चढ़ाएं, और कपूर नहीं बताया मैंने आपको, कपूर अवश्य लिख लीजिए आप, और बहुत ही प्यारी झांकी सजाएं आप, मंडप सजाएं, उसके बाद यह पूजा करें। और दोस्तों इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जब भी आप हरतालिका तीज की पूजा करें तो आपको अच्छी सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होना चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए। ये सुहाग का पर्व होता है, सुहाग का त्यौहार होता है, और पति की लंबी उम्र के लिए ही यह व्रत किया जाता है।
तो आप अच्छे से तैयार हों, 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी अवश्य लगाएं और महावर लगाएं। तैयार होने के बाद जो भी मेन चीज़ें होती हैं तैयार होने के लिए, एक सुहागन के लिए, वो सभी चीज़ें आप अवश्य करें, उसके बाद ही आप यह पूजा करें। तो दोस्तों, ये हो गई हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हरतालिका तीज से संबंधित और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल मत जाइएगा। हर हर महादेव। जय माता दी।